नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। जश्न ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस नागपुर शहर युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत तांबे, विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शक प्रदेश सचिव फजलूर रहमान कुरैशी के नेतृत्व में मुस्लिम बहुल क्षेत्र मध्य नागपुर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर बच्चों को मिठाइयाँ, पानी की बोतल, कुरकुरे, बिस्किट तकसीम किया गया। प्रदेश सचिव फुलजुर रहमान कुरैशी ने बताया कि कोरोना कोविड-19 को देखते हुए सीरत उन नबी द्वारा प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए जुलूस नहीं निकाला गया। पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया था। पुलिस रास्ते में आने जाने वाले छोटे बच्चे और बड़ों को बड़ी सादगी से सहयोग कर रही थी। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रशासन का बहुत धन्यवाद किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सचिव फजलूर रहमान कुरैशी, शहर सचिव अजहर शेख, राकेश निकोसे, आदिल शेख, विनती गुप्ता, नकील अहमद, जैद कुरैशी, बबला अंसारी, मुहबसीर अंसारी, मुजफ्फर अंसारी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। नागपुर जनरल लेबर यूनियन नागपुर की ओर से एके गोपालन भवन में अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य जिला परिषद कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कॉमरेड अशोक थुल, ट्रेड यूनियन संगठन आज की परिस्थिति और हमारी जिम्मेदारी इस विषय पर प्रमुख अतिथि के तौर पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष कॉमरेड मोहम्मद ताजुद्दीन ने वर्गीय दृष्टिकोण और वर्ग संघर्ष विषय पर बोल रहे थे। संगठन के सचिव कॉमरेड दिलीप देशपांडे ने परिस्थिति और हमारी जिम्मेदारी विषय पर मार्गदर्शन किया। संगठन के उपाध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र साठे ने आभार प्रदर्शन करते हुए संगठन का मजबूतीकरण और हमारी एकता विषय पर बोल रहे थे। मंच पर आशा वर्कर यूनियन महासचिव प्रीति मेश्राम, आंगनवाड़ी यूनियन कोषाध्यक्ष प्रीति पराते प्रमुखता से उपस्थित थे। कॉमरेड रामेश्वर चरपे, कॉमरेड सुभाष रामटेके और रमेश वाजगी का अभ्यास शिविर के लिए प्रमुख योगदान रहा है। जश्न ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर नौजवानाने सैयदानी नगर बकरा कमेला मदन चौक की ओर से भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कामटी मौदा विधानसभा क्षेत्र के नेता व पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। इस रक्तदान शिविर का आयोजन मोहम्मद इरशाद शेख, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस ने किया। इस रक्तदान शिविर में 72 रक्तदानों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर के सफलतार्थ मोहम्मद राशिद अंसारी, जिला सचिव नागपुर जिला हरमी युवक कांग्रेस, मोहम्मद सलमान खान, महासचिव कामटी मौदा विधानसभा युवक कांग्रेस व नौजवान ने सैयदानी नगर बकरा कमेला मदन चौक कामटी का योगदान रहा। नागपुर जिला जमीयत उलमा की ओर से मस्जिद बकर कसाब कसाबपुरा में एक रोजा दिनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हाफिज मसूद अहमद, अध्यक्ष जमीयत उलेमा जिला नागपुर ने की। इस अवसर पर मुंबई के मौलाना मोहम्मद यूसुफ असद ने ख्वातीन से बयान किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जावेद अख्तर, सचिव जमीयत उलमा, सिराज अहमद, अतीक कुरैशी, मोहम्मद अशफाक, बाबा भाई शोएब खान, मोहम्मद अथर, शरीफ अंसारी, रफीक अंसारी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जाहिद अंसारी, मोहम्मद इलियास अंसारी, हाजी एजाज आदि ने प्रयास किया। नागपुर शहर के निष्ठावान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अतुल कोटेचा की महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद पर नियुक्त होने पर समस्त जैन समाज के लिए गर्व की बात है। अतुल कोटेचा की इस गरिमामय नियुक्ति पर श्री ओसवाल पंचायती नागपुर के पदाधिकारियों ने समाज सेवी गिरीश बोथरा की प्रमुख उपस्थिति में शॉल, पुष्पगुच्छ और तिरंगा दुपट्टा पहनाकर उनका सत्कार किया। इस अवसर पर ओसवाल पंचायती के महामंत्री सुधीर बेदमुथा, मंत्री विजय बांटिया, नगर कांग्रेस के महासचिव मनीष छलानी, महावीर युवक मंडल के अध्यक्ष पंकज लालवानी, महामंत्री आनंद भरूट, समाज सेवी देवेंद्र चोरडिया, लोकेश बर्डिया, अरिहंत बेद, ऋषि कोचर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। ICAI की नागपुर शाखा की ओर से नवागत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए सराहना और प्रेरित करने के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार थे। मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीए के कंधों पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार पुलिस विभाग प्रमुख योद्धा के रूप में कार्य करता है, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट वित्तीय योद्धाओं के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपील करते हुए कहा कि वे जिम्मेदारी से व्यवहार करें, क्योंकि आपके द्वारा ऑडिट की जाने वाली इकाइयों को जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसीलिए आपको स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले अतिरिक्त सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अमितेश कुमार ने युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिविल सेवा के लिए भी आगे आने को कहा। उन्होंने ICAI के प्रशिक्षण, शिक्षा और परीक्षा पैटर्न की सख्त संरचना की प्रशंसा की, जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संरचना में से एक है। उन्होंने पेशे की बेहतरी के लिए व्यावसायिक आचार संहिता स्थापित करने के लिए ICAI की भी सराहना की। मिलादुन्नबी के अवसर पर यूथ विंग जमाते इस्लामी हिंद नागपुर, मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विभिन्न स्थानों में रक्तदाताओं में पुरुष और महिलाओं ने अत्यधिक संख्या में उपस्थित होकर ऐच्छिक रक्तदान किया। हसनबाग के मुकद्दम चौक पर आयोजित हुए रक्तदान शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चित्रंजन बी चंदुरे ने किया। इस अवसर पर जमात ए इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष रिजवानुर रहमान खान उपस्थित थे। जाफरनगर अवस्थी नगर चौक के न्यू चोपड़े लॉन में रक्तदान शिविर का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चोपड़े ने किया। इस अवसर पर दीन बंधु के नितिन सरदार उपस्थित थे। नागपुर नॉर्थ वेस्ट जिंगाबाई टाकली के गुरुदेव सेवा मंडल में नागपुर ऑटो चालक फेडरेशन के अध्यक्ष विलास भालेकर ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता बंडू ठाकरे, नागपुर अध्यक्ष डॉक्टर अनवार सिद्दीकी, डॉक्टर कशफतुजा आदि उपस्थित थे। बच्चों ने प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था। भालदारपुरा बेरिंग मार्केट के राजधानी मिल स्टोर पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन गणेशपेट पाँचपावली पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर भारत शिरसागर के हस्ते उद्घाटन कर रक्तदान भी किया गया। महाराष्ट्र गुजराती समाज महामंडल की स्थापना 7 मई 1989 को मुंबई में की गई। यह संस्था स्थापना का उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के कार्यरत सभी गुजराती समाजों, गुजराती संस्थाओं को एकत्रित करके गुजराती जनता की समस्या का समाधान करना है। संस्था के संपूर्ण राज्य में सदस्य एवं प्रतिनिधि है। संस्था का पुणे में कार्यवाहक सदस्यों की सभा आयोजित की गई। गत 30 वर्षों से संस्था के प्रमुख रहे हेमराज शाह ने उम्र और तबीयत का वास्ता देकर प्रमुख पद जिम्मेदारी से मुक्त करने का सभी को नम्र विनंती की। सभी ने इच्छा के विपरीत हेमराज भाई शाह की भावना और आगामी कार्यकाल मार्च 2024 तक महाराष्ट्र राज्य गुजराती समाज महामंडल का प्रमुख नियुक्त किया गया। जयप्रकाश पारेख गत 15 वर्षों से संस्था से सक्रियता से जुड़े हैं और संस्था के महामंत्री एवं उप प्रमुख की जिम्मेदारी का कुशलता से निर्वहन कर चुके हैं। वे छात्र जीवन से सामाजिक सेवा से जुड़े हैं और विभिन्न संस्थाओं में अनेक पद को सुशोभित कर चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य की महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी और माथाड़ी कामगार सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। भारत सरकार के दूर संचार मंत्रालय के अधीन टेलीफोन सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे हैं। नागपुर कृषि उपज मंडी समिति में भ्रष्टाचार चरम पर है। मंत्री के आशीर्वाद से केवल एक अधिकारी वर्षों से इस स्थान पर शासन कर रहा है और पिछले निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न घोटालों का आरोप लगाते हुए सरकार को एक जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इससे साफ हो गया है कि बकरा मंडी में करोड़ों रुपए का राजस्व लुटाया गया है और अनियमितताएं हुई है। यह कहते हुए APMC को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए किसान परिवर्तन पैनल को विजयी करें, ऐसा आवाहन पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। वे यहां किसान परिवर्तन पैनल कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पैनल में आड़तिया व्यापारी मतदार संघ से भूषण क्षीरसागर और भास्कर पराते तथा पूनम जांगड़े हमाल मापारी और तोलारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। उनका चुनाव चिन्ह अलमारी है। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाना जरूरी है।
विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में कलमना मार्केट के आसपास 648 करोड़ रुपए की सीमेंट रोड, पार्डी पुल निर्माण सहित बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए। अब डिप्टी सिग्नल कलमना मार्केट रेलवे क्रॉसिंग से पुल पर काम शुरू हो गया है। जिला परिषद के टेकाड़ी सर्कल के अंतर्गत पुरानी कामठी, कांद्री एवं टेकाड़ी ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन पशुपालन, डेयरी विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि बर्वे, पार्शिवनी पंचायत समिति अध्यक्ष मीना कावले, उपाध्यक्ष चेतन देशमुख, पूर्व विधायक एस क्यू जमा, पंचायत समिति सदस्य करुणा भोते, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर और सरपंच गण उपस्थित थे। केदार ने कहा कि नागपुर जिला परिषद द्वारा कोविड काल में किए गए अच्छे कार्यों के कारण समय पर बचाव के उपाय किए जा सके। अब जबकि कोविड का टीका उपलब्ध हो गया है, संक्रमण पर काबू पा लेने के साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। इसमें जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नए पाइप लगाकर सभी के घर पानी की आपूर्ति की जाएगी। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने बाबत वेकोली के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने की बात भी केदार ने कही। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने कहा कि पशुपालन, डेयरी विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में एक अच्छा काम करने का अवसर है। पूर्व नागपुर में सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य उपचार हेतु पूर्व वर्धमान नगर में श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल में सुसज्जित डायलिसिस यूनिट श्री राधा कृष्ण जीवन श्री डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते विधायक गिरीश व्यास व नगर सेविका कांता रारोकर की विशेष उपस्थिति में हुआ। कोविड 19 के नियमों का पालन किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद पोद्दार ने हॉस्पिटल में इस डायलिसिस सेंटर के बारे में जानकारी दी। महापौर तिवारी ने कहा कि आज लोग अपने मन से दवाई खा रहे हैं। अगर कहीं दर्द है तो पेन किलर खा लेते हैं, जिसके कारण किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है और तकलीफ बढ़ती है। वैसे ही शुगर पेशेंट की भी समस्या बढ़ती जा रही है। शहर में डायलिसिस सेंटर की बहुत जरूरत है और महानगर पालिका इसमें मरीज के लिए 50% का अनुदान देती है। इसके लिए मरीज को महानगर पालिका में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना होता है। विधायक व्यास ने कहा कि वे इस हॉस्पिटल से विशेष रूप से जुड़े हैं और यह ट्रस्ट काफी किफायती दरों पर इलाज कर रहा है। विधायक व्यास ने पंडित बच्छराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा 2 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर इस हॉस्पिटल को प्रदान करने की घोषणा की है। जीतो नागपुर ने होटल सेंटर पॉइंट पर अपनी वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। यहां सभी संरक्षक सदस्य, सीपी, एफसी, महिला विंग कार्यकारी, युवा विंग कार्यकारी सदस्य एकत्रित हुए। बैठक को जीतो नागपुर के अध्यक्ष उज्जवल पगारिया ने संबोधित किया। उन्होंने सदस्यों का स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में टीम जीतो नागपुर ने जरूरतमंदों की मदद के लिए बहुत मेहनत की। इससे समाज की अपेक्षा काफी बढ़ गई है और सभी सदस्यों से समाज की बेहतरी के लिए और भी अधिक मेहनत करने की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद जीतो नागपुर के मुख्य सचिव सुधीर सुराना ने अध्याय की वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने चल रही और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी बताया, जो कि जीतो नागपुर के बैनर तले शुरू की जाएगी। तत्पश्चात कोषाध्यक्ष जुल्फेश शाह ने अध्याय के वित्तीय लेखे प्रस्तुत किए और इसे उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया। जीतो नागपुर चैप्टर में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए इस बैठक में जीतो नागपुर ऑरेंज सदस्यता भी लॉन्च की गई। जीतो नागपुर के कार्यकारी सदस्य अजय संचेती, पूर्व सांसद राज्यसभा भी आ गया है और सदस्यों का उत्साह वर्धन और सराहना की। सतरंजीपुरा में हालार मेमन जमात के साथ भाजपा एनजीओ अघाड़ी ने ईद मनाई। अघाड़ी के शहर अध्यक्ष नरेश जुम्मानी एवं समाज सेवी मनोज अग्रवाल ने सतरंजीपुरा में जमात अध्यक्ष हाजी आरिफ भाई नागानी एवं जमात के अन्य सदस्यों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जमात के नवाब असलम, साहिल नागानी, आमिर नागानी, शेख नुरेताज, शेख अब्रार, अरबाज नागानी आदि उपस्थित थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 76वें अवतरण दिवस के पूर्व संध्या पर रविवार को परवार मंदिर के प्रांगण में श्री दिगंबर जैन
परवार मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटक महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित विधायक गिरीश व्यास, प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, मनपा स्वास्थ्य सभापति संजय महाजन, ट्रस्ट के अध्यक्ष सर्वश्री दिनेश जैन, मंत्री शीतल जैन, समाज सेवी अनिल जैन, संतोष जैन ठेकेदार, अजय टक्का मोरे, प्रशांत मानेकर जैन, राजू देवड़िया, सुभाष कोटेचा, डॉक्टर पुनीत झवर, विनय जैन द्वारकाधीश, राहुल गोलू जैन, प्रफुल्ल मोदी, डॉक्टर रजनी जैन, संजय जैन नेताजी बाला पलसापुरे उपस्थित थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का शॉल, श्रीफल, जैन दुपट्टा एवं गुरुदेव का सिल्वर सिक्का देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजू जैन वर्धा वालों ने किया। मंगलाचरण संगीतकार ऋषभ आगरकर द्वारा किया गया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने अपने उद्बोधन में कोजागिरी शरद पूर्णिमा के महोत्सव को बखूबी से समझाया। प्रस्तावना ट्रस्ट के मंत्री शीतल जैन ने की। पारितोषिक वितरण स्वातंत्र संग्राम सेनानी स्वर्गीय ताराचंद मोदी के 99वें जन्म जयंती पर प्रफुल्ल मोदी परिवार की ओर से दिए गए। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हिंगना तहसील में विविध स्थानों पर सादगी के साथ कोरोना नियमों का पालन करते हुए रैली निकालकर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई गई। रैली का स्वागत तथा अल्पहर शरबत आदि की व्यवस्था विविध स्थानों पर की गई। रायपुर हिंगना स्थित हजरत मोकाशा बाबा की ओर से जश्न रैली का आयोजन किया गया। मोकाशा बाबा की दरगाह शरीफ से निकल गांव की गश्त लगाते हुए वापस वहीं पर समापन किया गया। दुआ के बाद न्याज महाप्रसाद का वितरण किया गया। सफलतार्थ मोकाश बाबा दरगाह कमेटी के पदाधिकारी कलीम महाजन, अलीम महाजन, शोएब महाजन, अमीर महाजन, रहमान महाजन, रियाज महाजन, फिरोज महाजन, मोसीन शेख, जमीर महाजन, शरीफ शेख, रेहान महाजन, अरशाद शेख, सफी महाजन, समीर महाजन, बाबा महाजन, सोहेल महाजन, साकिब शेख, फरहान महाजन, मुस्तफा शेख, आरिफ महाजन, परवेज शेख, मुस्कान शेख, तुफैल शेख, शाहिद शेख, अहमद महाजन आदि ने परिश्रम किया। हिंगना MIDC का जलसा बंसी नगर स्थित सिद्दीकी मस्जिद से निकला। कोरोना नियम का पालन कर सादगी से कम लोगों में जलसा हिंगना मुख्य मार्ग से होते हुए महाजनवाड़ी के सुदगिरनी से वापस तकिया दरगाह पर समापन हुआ। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भाई लाइन सूफी नगर कामटी से एक अजीम ओ शान जुलूस निकाला गया, जो कामटी का गश्त करता हुआ भोई लाइन सूफी नगर पहुंचा। इस जुलूस की अध्यक्षता कामटी शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान ने किया। इस मौके पर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इकरार, मोहम्मद इमरान, समीर अहमद, जिया आफ्ताब, मोहम्मद शाहिद, उबैद आलम, असलम अली, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद अहसान, मोहम्मद मोनिश आदि गणमान्य मौजूद थे। मोहम्मद पीर पैगंबर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पारशिवनी शहर में सुन्नी जमात मुस्लिम कमेटी की ओर से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 39 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। साथ ही ईद के अवसर पर शहर में जुलूस निकालते हुए शहर भ्रमण किया गया। इस अवसर पर मिठाई और शरबत का वितरण किया गया। इस दौरान कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जगह जगह मुस्लिम समाज के साथ सभी धर्म जाति के लोगों ने इस अवसर पर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं मंत्री सुनील केदार ने भी इस अवसर पर पारशिवनी जामा मस्जिद में आकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। तहसीलदार प्रशांत सागड़े, थानेदार हृदय नारायण यादव तथा अधिकारियों ने इस अवसर पर उपस्थित रहकर मोहम्मद पैगंबर साहब को जन्मदिन पर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर शहर के समाज बंधु बड़ी संख्या में मौजूद थे। पूर्व ऊर्जा मंत्री व पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, ड्रैगन पैलेस टेंपल प्रमुख व पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखा कुंभारे, नगर परिषद अध्यक्ष शाहजहां सफात अंसारी ने नगर वासियों विशेषकर मुस्लिम भाइयों को रुई गंज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी के पवित्र मौके पर उन्होंने अमन शांति और लोगों की खुशहाली की कामना की है।
उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब के संदेश हमेशा समाज को सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक इकबाल बाबू कुरैशी, हाजी अनीफ अशरफी, नागपुर जिला कांग्रेस महासचिव आबिद ताजी, शकुर कुरैशी, बारीएम शहर उपाध्यक्ष सुभाष सोमकुवर, पूर्व पार्षद नियाज कुरैशी, इरशाद रहमान कुरैशी, नगर परिषद पूर्व सभापति श्रावण केलझरकर, जूना कामठी थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल शिरे समेत अन्य गणमान्य मौजूद थे। अश्विन नवरात्रि के अवसर पर मां वैष्णव देवी दुर्गा उत्सव मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन व पुरस्कार वितरण येरखेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच मंगला मनीष कारेमोरे के हस्ते दुर्गा प्रतिमा की पूजा व आरती कर किया गया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पूर्व सरपंच मनीष कारेमोरे, पत्रकार व प्राध्यापक सुदाम राखड़े, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक मुरलीधर मुलनकर, यादवराव पाठे, सुरेंद्र राजूरकर, दिनेशराव पांडे, विनेदराव वागमारे, संजय खोड़े, लोनेश्वर देशमुख, सुनील लालबागे, कृष्णा इंगोले, सुनील लखकवार, रामदास चौधरी, ज्ञानेश्वर रेंगे, मयूर आगरे, मुन्नीलाल कटरे, सुनील पारधी, ललित गबने, अरविंद गबने, सुधाकर ढोमने की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में प्रस्ताविक मंडल की अध्यक्षा सुषमा राखड़े ने की एवं संचालन शालिनी गबने व आभार प्रदर्शन माधुरी पाटे ने व्यक्त की। कार्यक्रम के सफलतार्थ दिव्या पांडे, हर्षा वागमारे, माला खोड़े, हेमा देशमुख, संगीता लालबागे, सुषमा इंगोले, तृप्ति लखकवार, वंदना वाजूरकर, नानू चौधरी, कविता रेंगे, सुमन मुलनकर, उमा ठाकुर, काजल आगरे, संध्या कटरे, पायल पारधी, नलिनी गबने, वर्षा ढोमने, प्रणय राखड़े, सारंग चौधरी, वैभव पाठे, मयूर आंगरे, तुषार रेके, अमित ठाकुर, शशि मुलनकर, अनूप आंगरे, बाल्या लालबागे, गौरव लालबागे, मुकेश पारधी, सुनील पारधी आदि ने अपना योगदान देकर सहकार्य किया। सावनेर के जामा मस्जिद कमेटी द्वारा आयोजित जश्न ईद मिलादुन्नबी के पाक मौके पर क्षेत्र के विधायक तथा राज्य सरकार के पशु दुग्ध विकास, क्रीड़ा व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने मस्जिद पहुंचकर शहर के मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन जायसवाल, जामा मस्जिद कमेटी सावनेर के इमाम साबिर शेख, हाजी रफीक शेख, नगर सेवक सुनील चाफेकर, शफीक सैयद आदि की प्रमुख उपस्थिति में मंत्री सुनील केदार का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए मंत्री केदार ने सर्वप्रथम देर से आने के लिए सभी समाज बंधु से माफी मांगी तथा इस पावन स्थल से मुझे बिन मांगे ही सब कुछ मिला है और मिलते रहेगा। इसे कहते हुए आप सभी ने जो प्यार और विश्वास मुझ पर लुटाया है उसे वापस करने का वक्त अब आ गया है। पिछले दो वर्षों से जारी कोरोना का आतंक भी अब कम होने लगा है तथा शीघ्र ही नए विकास कार्य और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। आयोजन के सफलतार्थ हाजी रहमू भाई, नाजिम शेख, छोटू हाजी, आसिफ शेख, दिलावर शेख, शाहरुख शेख, साबिर शेख, दिलावर शेख, अकरम शेख, शफीक फारूकी, आसिफ जाबिर शेख, मनोज बसवार, गफ्फार शेख प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।